आदाब दोस्तों, वेस्ट बंगाल टीम जब से पहुंची है उस वक्त से आप तमाम लोगों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रही है और हम ये दिखाना चाहते हैं, ये उजागर करना चाहते हैं, जो पर्दे के पीछे छुपी हुई बातें हैं वो तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस वक्त बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मौजूद हूँ और विधानसभा नौदा में, श्याम नगर में मौजूद हूँ। ये चौराया है, ये चौक है जहाँ पर तमाम दुकानें हैं, तमाम पब्लिक यहाँ पर बाजार में आती है अपने ज़रूरत का सामान लेने के लिए। यहाँ इस वक्त हम मौजूद इस वजह से हैं कि सामने चुनाव है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पिछले 10 साल से जो ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में है उसी को चाहती है या फिर इस बार कुछ तख्ता पलटने वाला है। तमाम लोगों के साथ हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम जानना चाहेंगे क्या? बबलू शेख। बबलू शेख, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, किसके सर पर ताज रखा जाएगा, झंडा किसका फहराएगा? ममता बनर्जी। मोदी क्यों नहीं? मोदी को नहीं चाहिए। मोदी जी ने ये कहा है इस बार अगर हमें मौका मिलता है बंगाल में आने का तो हम सुनार का बंगला बनाएंगे। नहीं नहीं, मोदी को नहीं चाहिए, हमें तो ममता बनर्जी चाहिए। अच्छा, ममता बनर्जी चाहिए। ममता से आप खुश हैं पिछले 10 साल से? हाँ हाँ बिल्कुल। सरकार नहीं बदलेंगे? नहीं। बहुत अच्छी बात है। और तमाम लोग मौजूद हैं जो बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप तमाम लोगों तक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पहुंचाएंगे। क्या नाम है अंकल आपका? इमदादुल हक विश्वास। अच्छा इमदादुल हक साहब, ये जानना चाहूंगा इस बार क्या तख्ता पलटने वाला है, मोदी की सरकार बनने वाली है या फिर दोबारा ममता? ना, मोदी के ना, ममता के। पिछले 10 साल से ममता की सरकार है, आप उस सरकार से खुश हैं क्या? खुशी, ममता के पहले खुशी। जी, एक अंकल आए हैं बाइक लेकर, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप बाइक पर तो घूम रहे हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, जबकि ये वादा किया था हम आएंगे तो पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हो जाएंगे, लेकिन आप बाइक पर घूम रहे हैं, आप बताइए क्या आप इस सरकार से खुश हैं या फिर मोदी जी को मौका देंगे? मोदी सरकार के बोलो कमाई थी दाम, हाई यूटिकल और डीजल पेट्रोल दाम, ताली मानुष मोर भी ना बाइज भी। तो टंकी फुल करवा के चल रहे हैं या परेशान है मोदी से? एक लीटर किनकी बात नहीं तो फुल कर किनबू। अच्छा, तो मोदी को मौका नहीं देंगे बंगाल में? मोदी नहीं चले, मोदी नहीं, ममता बनर्जी के 30 साल चलेगा। अच्छा 30 साल चलेगा, 30 साल बाद हटाएंगे? अच्छा 30 साल मौका देंगे ममता बनर्जी को? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं परेशान हूँ, इस बाइक को चलाता हूँ, बड़ी परेशानी करनी पड़ती है कि पेट्रोल महंगा हो गया। तमाम लोग मौजूद है, युवा भी हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। युवाओं की नीड्स होती है रोजगार। कहाँ तक खुश हैं आप ममता बनर्जी से या मोदी को मौका देंगे? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, क्योंकि आप युवा हैं और युवा जो होता है वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है और आप इस राज्य सरकार की रीढ़ की हड्डी है, क्या लगता है इस बार क्या होएगा? खेला हबे, खेला हबे है, खेला हबे, इसका खेला हबे, ममता बनर्जी खेला हबे, डाने के ममता बनर्जी, बामे के ममता बनर्जी, खेला हबे, खेला हबे। लोगों का कहना है इस बार खेला होगा। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता, ममता दीदी, दीदी है, दीदी। इतने सारे लोग हैं इस जगह जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे तमाम लोगों का कहना है खेला होबे, ममता बनर्जी आएगी। कौन आ रही है? खेला होबे ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, सब ममता, सब ममता। मोदी जी को तो मौका दे दो। ममता जी, ममता, ममता। अच्छा, नोटबंदी हुई जब भी परेशानी हुई होगी, उसके बाद GST आई तब भी परेशानी हुई होगी, उसके बाद देश में लॉकडाउन लगा, क्या लॉकडाउन में जब तमाम लोग भूखे थे उस वक्त ममता दीदी ने आपका ख्याल रखा है? जी रखा है ना। अच्छा, मतलब ममता दीदी ने उस वक्त आपके घर खाना पहुंचाया? पहुंचाया, पहुंचाया। अच्छा जी, ऐसे मतलब महामारी के वक्त में ममता दीदी आपके साथ? कोई सुविधा मिला हम लोग को? अच्छा, जी। तो परिवर्तन नहीं चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, ममता बनर्जी को चाहिए, बाकी मोदी जी को बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए, आप एक युवा हैं, ठीक है, युवाओं को जरूरत किस चीज की होती? रोजगार। मोदी जी कहते हैं 2 लाख रोजगार देंगे, वो कुछ नहीं देने वाला है, सिर्फ पूरा बिल्कुल मार के रखा हुआ है, उसको जितना जल्दी हो सके उसको निकाल देंगे बस। उसको 15 लाख का भी वादा किया था? अरे 15 लाख, 15 रुपया भी नहीं दिया किसी को, तो 15 लाख के गरीब से 15 लाख ले रहे हो, वो साला देश का क्या करेगा, देश का पूरा गांड मार के रख दिया वो।
देश को लूट लिया उसने, सारे सब कुछ बेच दिया, मेट्रो भी पब्लिक का हो गया, प्राइवेट हो गया, ट्रेन भी प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट का हो गया, तो क्या रहा इस देश का। युवा और मौजूद है, हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानेंगे मोदी जी जब आए थे उन्होंने ये कहा था कि हवाई चप्पल वाला जो है, हवाई चप्पल वाला उसको हम जहाज में उड़ाएंगे, मौका मिला नहीं, जहाज में नहीं उड़े अभी तक, नहीं 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 मोदी जी को नहीं लाना, मोदी के नहीं चाहिए, मोमोदी के चाहिए। देखिए इतनी बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ा ये विधानसभा क्षेत्र है जो नौदा का विधानसभा क्षेत्र है, बंद कर दिया, क्या हुआ, स्कूल कॉलेज पूरा बंद कर दिया, बच्चा क्या करेगा, मोदी जी सरकार कर दिया, भारत को इंडिया का भिखारी बना दिया, किसका सरकार आएगा, किसका, ममता सरकार ने चाहिए मेरा है, अच्छा वाला है वो, मोदी जी को मौका नहीं, नहीं नहीं वो कुछ भी नहीं, ममता जी आएंगे, इस बार ममता 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 को चाहिए, ममता को, मोदी देश का गांड मार के रख दिया, बंद कर दिया, बोल क्या कर रहा है, स्कूल कॉलेज पूरा बंद कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, जब सरकार आती है, जब चुनाव होते हैं, तो सरकार का ये कहना होता है हम ये करेंगे, हम वो लाएंगे, हम इस तरह की योजनाएं लाएंगे, जो आज तक ममता दी, एक साल में स्कूल बंद, ममता दीदी ने जो आज तक योजनाएं दी थी, क्या वो योजनाएं आपको मिली है, ममता में अच्छा है वो, वो गरीब आदमी का अच्छा है। के लिए तमाम लोग थे हमारे साथ, कुछ युवा आए हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि इनके राज्य में क्या ये ममता दीदी से खुश हैं या फिर मोदी से परिवर्तन चाहते हैं, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, ममता दीदी आएगा ना, ममता दीदी आएंगी। देखिए आप एक युवा हैं, प्रधानमंत्री जो देश के हैं, जब वो यहाँ के ब्रिगेड मैदान में जब यहाँ पे रैली करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई, हमें मौका मिला, तो इस बार हम बंगाल को सुनार का बंगला बनाएंगे, क्या हाँ, सुनार बंगला बनाएगा ना ममता दीदी के लेके, अरे वो मोदी जाएगा तभी सोना बंगला बनेगा ना। अच्छा मोदी जाएगा जब बनेगा, हाँ ठीक है, क्या कह रहे थे सर बताइए, सोनार बंगला कैसे बनाएगा मोदी, हाँ हमारा देश में पेट्रोल डीजल वो क्या बोलते हैं गैस ऐसो ये चीज को, जब मोदी जी नहीं थे जब कितने का गैस मिलता था, कितने का गैस नहीं था, 500 रुपए मिलता, अभी कितना हो गया बोलो, कितने का मिल रहा है अभी, कितना हो गया अभी, हजार हो गया, देखो पेट्रोल पेट्रोल कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, डीजल कितना हो गया, 90 रुपए, लेकिन इतना पैसा क्या कर रहे हैं हमारा पब्लिक का लेकर, परेशान है आप, परेशान है ना, परेशान है आप, चाहिए हाँ परेशानी है, युवा है क्या लग रहा है, क्या मूड है इस बार, दीदी के में है ना, ममता दीदी, ममता दीदी, देखिए तमाम युवा है यहाँ पर, युवाओं का ये कहना है कि इस बार अगर हम मौका देने वाले हैं, मौका देने के मूड में है, तो एक ही सरकार आएगी जिसका नाम TMC है, जिसके होने वाली मुख्यमंत्री ममता दीदी है। तमाम लोगों से हमने बात करी है, यहाँ पर जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के लोग 110% उम्मीद ये करते हैं कि इस बार ममता की सरकार बनने वाली है और तमाम लोग ममता को ही वोट देंगे। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं मोहम्मद जफर, NHO आवाज़।